गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के। क्या टाइम हुआ है अभी? 3:30 हुए हैं और मैं होने लगी थी रेडी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। पीछे मिरर में मेरी फ़ोटो भी दिख रही है आपको, ये देखिए, ये हल्का सा मिरर लगा हुआ है तो इस पर दिख रही है मैं। तो मैं रेडी होने लगी थी। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, लोकेशन मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ पे हूँ, बिकॉज़ आपको पता ही है कि मैं आ गई हूँ हबी के साथ। तो अभी होते हैं रेडी और हम लोग जा रहे थे कंटेन में, तो चलते हैं फिर। थोड़ा बहुत सामान लेना है और पसीने से ऐसे नहा जा रहे हैं कि क्या बोलें। और अभी फटाफट से निकालते हैं कपड़े, देखते हैं कौन सा वेयर करना है। नज़दीक में ही जाना, थोड़ी सी दूर है, 5 मिनट का रास्ता है वहाँ पे, वहाँ तक ही जाना है। तो मैं फटाफट से पहला सूट ही वेयर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, यही तो जाना नज़दीक में। तो रेडी होके आती हूँ आपके सामने। तो गाइज़, अभी मैं नहाने जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा पसीना फिर से पड़ जाएगा, तो यहाँ पर रखे हुए कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए, मतलब तय लगाने के लिए, क्या बोलते हैं आप उसको, उठाने हैं ये। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से इनको उठा लेती हूँ। और इस साइड मैंने लगाए हैं थोड़े से पिकॉक, क्योंकि सारा घर खुद से जाना पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ पे पिकॉक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मुझे मिल गए हैं इनके पंख। तो मैं पिकॉक के पंख लेके आई थी उधर से, जंगल में पड़े हुए मिले थे, एक जो लगे कहीं पर, और इतने सुंदर लगते हैं ना यहाँ पे लगाए हुए, मतलब काफ़ी सुंदर लग रहे। इसके आगे के जो थे ना झड़ गए थे, क्योंकि उसका ना शायद मोर बुगुड़ हो गया होगा तो उसकी वजह से ये झड़ गई है। तो मैंने इनको यहाँ पे बटरफ्लाई के साथ लगा दिया है, बिकॉज़ हम इसको ऊपर लगाएंगे, इसके साथ जो हमने फोर्स लगाए हैं ना घोड़े, उसके साथ लगाएंगे। तो अभी मैं आपको अपना पूरा घर नहीं दिखाऊँगी, तो बस मैं यहाँ हॉल तक दिखा देती हूँ। ये छोटा सा हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह लगा हुआ है। तो अभी मैं कर लेती हूँ कपड़ों को, इनको उठा लेती हूँ जल्दी से, फिर चलते हैं घूमी घूमी करने, क्योंकि गर्मी पड़ जाएगी तो इसलिए धूप आ रही बाहर से। मैं लगा लेती हूँ जल्दी से, काम करती हूँ। ये देखो गाइस, हवा के साथ कैसे उड़ रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब ये 3-4 मिले थे मुझे, बट उस दिन एक बच्चा मिल गया वहाँ पे, तो वो बोलने लगा कि मुझे भी चाहिए, फिर मुझे एक देना पड़ा उसको। तो ये देखिए 3 हैं, तो ये 3 अलग अलग हो चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो इसकी प्यारी सी लुक, मतलब बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कपड़े उठा रही थी और बाहर आ गया हाथी, देखो ला, हमारे यहाँ पे हाथी आते बहुत ज़्यादा, कितना बड़ा भाई सभी लोग अंदर छुप चुके हैं, क्योंकि ये क्वार्टरों में नुकसान पहुँचाता है। देखो ला कैसे खड़ा है यहाँ पे। अभी हूटर बजेगा और वो आएंगे इसको भगाने के लिए, तभी जाते हैं। ये बज गया हूटर, ये गाड़ी वाले भी ऐसे भागते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिर देखो ला कितना ज़्यादा बड़ा है, ये जाता ही नहीं है। मतलब ये ना नीचे वाले, हमारा ठीक है, थर्ड फ्लोर पे जो ग्राउंड फ्लोर पे है ना, उनका ज़्यादा बड़ा नुकसान करता है वो। सभी लोग अपने अपने अंदर से देख रहे हैं, हाय कितना बड़ा, भाग ही नहीं रहा, इसको बिस्ले वगैरह बचाए जा रहे हैं पर ये नहीं भागता। जा ही नहीं रहा गाइस, एक जगह खड़ा हो गया ये चला 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 चला, इसके दांत नहीं दिख रहे हैं, कई जो होते हैं उनको बड़े बड़े दांत होते हैं।
गाइस अभी मैं अपनी साइड आ गई होगी, हमारी साइड से भी दिख रहा है। अरे आगे अरे गाइस धूप के कारण दिख नहीं रहा, नुकसान ना पहुँचाए कहीं किसी को, बस ये दवाई देता मतलब। तो गाइस पिछले दिन यहाँ पे आए थे पता नहीं 15 हाथी थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे इनके, बड़े बड़े थे। अभी इसके पीछे 2-3 और आ रहे थे क्योंकि हमने बीच में बीड़ी बंद कर दी थी। इतने ज़्यादा हाथी आते हैं यहाँ पे, मैंने तो यहाँ से नज़दीक से पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाथी आते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, जंगल नज़दीक है ना उसकी वजह से। और ये QRT वाले इसको टॉर्च मार रहे थे बट ये भागते नहीं, अपनी स्पीड में चले रहते हैं धीरे धीरे करके, तो ये दूसरी तरफ जा रहे थे। फिर तो चला गया और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। ये रही आज की लुक, इसकी मैं वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी आके, बट अभी हमें हो रहा है थोड़ा सा लेट, तो अभी हम चलते हैं फटाफट से। और मुंह के ऊपर देख लो पसीना, पसीने से फिर से नहा चुके हम, 3-3, 4-4 बार नहाना पड़ता है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। बारिश भी होती रहती है बट कभी कभी 2-3 दिन हो जाए तो बारिश ना हो तो फिर काफ़ी बुरी हालत होती है। तो जाके आते हैं हम कैंटीन, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको दिखाऊंगी वहाँ का। तो मैं चलती हूँ फटाफट से। यो ओके गाइस, अभी हम कैंटीन में जाके आए, हमें सामान कुछ मिला नहीं, दीदी भी है साथ में। हेलो हेलो बुआ बुआ बुआ, ये बुआ बोलती गाइस मुझे, बुआ बोलती बुआ। हाथी भी चला गया हमारा, तभी हम फ्री होके घूम रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी वाली कंटेन में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं जाके सामान मिलता है या नहीं मिलता है कुछ। गाइस व्लॉग का नेक्स्ट डे स्टार्ट है और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे 4 बजे उठ जाते हैं सारे ही लोग, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, क्या बात बोलें। तो सुबह सुबह सारे उठ जाते हैं यहाँ पे। फिर मैं गई यहाँ पे पार्क में घूमने, ऐसे ही घूम के आ गई। फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में बना था आज भर के करेले एंड चपाती, और हबी जी खा के चले गए हैं और अभी आएंगे वो दिनों के बाद। तो अभी मैं दोपहर के लिए बना रही थी खाना, तो मैंने दोपहर के लिए बनाया है आज चावल और काले चने की सब्ज़ी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पे बैठ के मैंने सोचा व्लॉग का आगे का भी शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पे आके व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता यार, तो धूप इतनी ज़्यादा, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, और बाहर का कुछ दिखा भी नहीं सकते तो होता है ऐसे। अभी यहाँ पे बस यही है कि हाथी आते रहते हैं, अंदर रहो अपने कमरे में, बाहर कोई निकलता नहीं है इस टाइम। बिल्कुल शमशान एरिया यहाँ पे, बालकनी से दिखाती हूँ। तो गाइस ये हमारे साथ में पार्क, तो मैं यहाँ पे चली गई थी थोड़ा सा घूमने, और अभी बस खाना खाना है मैंने दोपहर का, फिर सो जाना। फिर 5-5:30 बजे से पहले कोई बाहर आता नहीं, क्योंकि बाहर होती है धूप ज़्यादा और हाथियों का भी डर रहता है। तो यहाँ पे अंधेरा भी 6-6:30 बजे तो अंधेरा हो जाता है। अभी कपड़े वगैरह मेरे सूख रहे हैं, तो बस ये है बाहर की लोकेशन। ये जो है ना हमारे बाहर का, मतलब ये देखने के लिए काफ़ी अच्छा, बोर नहीं होता बंदा, यहाँ पे डोल बैठे रहो और हर बालकनी में बैठ के मज़े से खाना भी खाते रहो, और पार्क में आदमी वगैरह जो भी चले होते हैं उनको भी देखते रहो, और बाहर से ठंडी ठंडी हवा भी आती है, मतलब सुबह शाम ही बैठ सकते हैं। इस टाइम तो धूप में कोई बोले तो बिल्कुल ही नहीं, और सभी अपने अपने कमरों में बंद होते हैं इस तरह से कोई बाहर नहीं निकलता, कोई कुछ नहीं, बस शाम के टाइम निकलना सभी ने थोड़े बहुत पार्क में आने के लिए, और सुबह सुबह 4-4:30 बजे के बीच तब निकलते। और मुझे मासियाँ भी आ रही हैं बीच बीच में, तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से खाना, फिर करते हैं रेस्ट, क्योंकि अभी जी आज खाना खाने पर नहीं आएंगे, नहीं तो दोपहर को आते थे वो। तो अभी हम कर लेते हैं लंच वगैरह करते हैं, फिर से सो जाते हैं, सोने का ही काम है गाइस। मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ पे पेंटिंग करूँगी, उसका व्लॉग बनाऊँगी साथ साथ में, तो मैं आपको भी दिखाऊँगी फिर कैसी पेंटिंग कर रही हूँ मैं। क्या करना यहाँ पे, ये सरकारी दीवार है, इनको अच्छे से डेकोरेट करो बैठ के, और क्या करना अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखाओ भैया, यही काम करना है यहाँ पे मैंने बैठ के। अब
यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत डेकोरेट किया भी है और बाकी देखते हैं बाद में। तो मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे।